हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की है और हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर 5th। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल स्टोन। क्या पढ़ेंगे हम? प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल स्टोन, ठीक है। अब इसके बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से नंबर वन हमें पढ़ना है। आज हम सारे मेथड इसके अंदर पढ़ेंगे। पहला मेथड है इलेक्ट्रो डिस इंटीग्रेशन मेथड। क्या है? इलेक्ट्रो डिस इंटीग्रेशन मेथड। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, डिस इंटीग्रेशन का मतलब अलग अलग होना, इंटीग्रेशन का मतलब तो एक साथ जुड़ जाना और डिस इंटीग्रेशन का मतलब अलग अलग होना। तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अलग अलग हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से होता है अगर हम बात करें नेम से। इसी को ही हम बोलते हैं, जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। क्या कहते हैं हम? ब्रेडिक्स आर्क मेथड। सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन 3 मार्क का जनरली पूछ लिया जाता है, इसलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली जो ये मेथड है वो किस काम आता है? गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम जैसे जो हैवी मेटल्स होते हैं उनका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के ये मेथड काम में आता है, ठीक है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल की, कोलाइड सोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको डिटेल में अब हम स्टडी करेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम? ब्रेडिक्स आर्क मेथड। अब क्या होता है इसके अंदर, पहले मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी और फिर मैं आपको लैंग्वेज लिखवा दूंगी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसके अंदर, क्या अरेंजमेंट होगा। एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर हमने हर जगह क्या भर दिया? बर्फ। बर्फ की जो आइस क्यूब्स होती है ना, वो हमने आइस क्यूब जो है भर दी। पूरे कंटेनर में आइस क्यूब्स, थोड़ी सी जगह रखनी है हमें, ठीक है। ये क्या कर दी मैंने? आइस क्यूब्स। अब एक और कंटेनर लिया, मैंने कहा था ना जगह थोड़ी सी रखनी है, वो इस कंटेनर के लिए रखनी है, ठीक है। अब इस कंटेनर में क्या है बेसिकली, हम लोग किसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं? मान लो मैंने सिल्वर का बना लिया, ठीक है। सिल्वर को हम क्या बोलते हैं? एजी, ठीक है। मैंने क्या किया यहां पर, एजी के दो इलेक्ट्रोड मैंने ले लिए। इसको मान लीजिए मैंने पॉजिटिव दे दिया, इसको नेगेटिव से मैंने जोड़ दिया। जैसे ही इनको जोड़ा तो इनके बीच में एक आर्क प्रोड्यूस हो गया। क्या हुआ? एक आर्क प्रोड्यूस, ठीक है। आर्क जो प्रोड्यूस हुआ, इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, एक जैसे ये पॉजिटिव से और ये नेगेटिव से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, चिंगारी से निकलने लग जाएगी, बहुत मतलब हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो जो सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स हैं, ये सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। तो इन सिल्वर के इलेक्ट्रोड से सिल्वर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, इतनी हीट होगी कि निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर मैं इन आइस क्यूब को ना रखती, मान लीजिए कई लोगों का क्वेश्चन आएगा कि ठीक है सिल्वर के जो इलेक्ट्रोड से पार्टिकल्स है वो निकलने लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये आइस क्यूब का क्यों यूज किया? अगर मैं आइस क्यूब का यूज नहीं करते, अगर हम लोग आइस क्यूब का यूज नहीं करते तो क्या होता कि इतनी हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द आर्क, ठीक है ना, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि ये जो सिल्वर पार्टिकल्स है ये निकलने के बाद में एवोपरेट हो जाते, मतलब ये हवा में एवोपरेट हो जाते, उड़ जाते,
चूंकि मैंने यहाँ पर सारी आइस क्यूब रखी है, बिल्कुल जो बाहर कंटेनर है एकदम ठंडा रखा है, तो ये एवोपरेट नहीं होंगे, ये हवा में नहीं उड़ेंगे, ये क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस यानी ये इधर ही कंटेनर में रह जाएंगे, ये एवोपरेट नहीं होंगे। और इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा, किसका, सिल्वर का, हमें सोल मिल जाएगा सिल्वर का। तो इस तरीके से ये पूरा ब्रेडिक्स आर्क मेथड वर्क करता है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझ में आया होगा। अब जो ब्रेडिक्स के कुछ जो पॉइंट्स है जो आपको नोट्स के रूप में लिखने हैं, मैं आपको लिखवा दूंगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये खाली स्पेस है इसमें वाटर है, क्या है, पानी है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए ब्रेडिक्स आर्क मेथड में पहला पॉइंट है, आप नोट भी करिएगा, द मेथड इन्वॉल्व्स पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोड मेड ऑफ डिजायर्ड मेटल। अब यहां पर जो डिजायर्ड मेटल था वो हमने क्या लिया था, एजी सिल्वर, ठीक है। क्या कह रहा है, इस मेथड में क्या होता है, कोई भी आप डिजायर्ड मेटल, या मैं मान लू गोल्ड, प्लेटिनियम या फिर सिल्वर में से कोई भी मेटल जिसका भी आपको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, आप क्या करोगे, उसके इलेक्ट्रोड्स जो है, पानी का जो कंटेनर हमने लिया हुआ था, एक तो सबसे आगे तो क्या था, आइस क्यूब्स थे, उसके अंदर क्या था, पानी का कंटेनर, और पानी के कंटेनर में क्या था, इलेक्ट्रोड्स लगाए थे। इलेक्ट्रोड्स के अंदर हमें क्या प्रोवाइड करना, क्या पास करना होता है, इलेक्ट्रिक करंट, किसके थ्रू, हमने वहां पर आर्क लगाई थी, ठीक है ना, आर्क था वहां पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोड्स मेड ऑफ डिजायर्ड मेटल। पहली प्रोसेस तो ये हो रही थी कि इस मेथड में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही थी, हीट निकल रही थी। दूसरा, दिस मेटल इज सस्पेंडेड इन अ ट्रफ ऑफ वाटर केप्ट कूल्ड बाय द सराउंडिंग आइस। कहने का मतलब है, जो ये मेटल्स जहां पर लटके हुए थे, जहां पर ये इलेक्ट्रोड था और जो वाटर का कंटेनर था, उसके बाहर हमने क्या लगाई थी, आइस, ताकि हम जो सिस्टम है वो एकदम आसपास का एकदम कूल कर सके, एकदम ठंडा कर सके, ताकि जो वो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, ताकि जो वो पार्टिकल्स हैं सिल्वर के, जब वो हीट के कारण अलग हो इलेक्ट्रोड से, टूट के अलग हो जाएं, ठीक है ना, निकल जाएं उसके अंदर से, तो वो एवोपरेट ना हो, वो क्या हो, कंडेंस हो जाएं। कंडेंस कैसे होंगे, जब उनके बाहर का सराउंडिंग कैसा होगा, कूल होगा, उसके लिए हमने यूज की थी आइस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आई होप आपने इसको बिल्कुल कॉपी कर लिया, और जब भी ब्रेडिक्स आर्क मेथड आएगा, आप ये कुछ पॉइंट जो मैं आपको लिखवा रही हूं वो आप लिखोगे और डायग्राम बना के आओगे। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है, ड्यू टू द इंटेंस हीट ऑफ द आर्क द मेटल चेंजेस इनटू वेपर्स। ऑब्वियसली बात है, हीट प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोड्स में से जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम वेपराइज होने लग जाएंगे, तो क्या होगा, वेपर ना हो कि ये कंडेंस हो जाएंगे, विच कंडेंस टू फॉर्म द कोलाइडल पार्टिकल्स। और ये कंडेंस क्यों होंगे, क्योंकि हमने बाहर का जो एनवायरनमेंट रखा वो कैसा रखा है, एकदम कूल, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कोलाइडल पार्टिकल्स बनने की, कोलाइडल सोल बनने की, किसकी, सिल्वर, गोल्ड या फिर प्लेटिनियम, कोई भी हैवी मेटल्स है उनकी। तो आई होप आपको ये सारा जो मेथड है ये समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। तो देखिए, जो सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्ट का, वो है पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कुछ इसके अंदर पीपीटी जो होती है, प्रेसिपिटेटेड, जो प्रेसिपिटेशन बनता है सॉल्यूशन के अंदर, जो नीचे जम जाता है, पता है ना आपको, आपने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे केमिस्ट्री लैब में, नीचे जम जाती है कुछ चीजें, प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पीपीटी, है ना, तो उससे रिलेटेड ये प्रोसेस है। पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में, देन मैं बात करूंगी क्या प्रोसेस होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस इनटू कोलाइडल पार्टिकल्स बाय शेकिंग विद अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। क्या मतलब है इसका, अब मैं आपको समझाती हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, यहां पर टेस्ट ट्यूब ली मैंने, यहां पर टेढ़ी बन गई ना, सीधी करती हूं, ठीक है, मैंने यहां पर टेस्ट ट्यूब ली। हमें क्या चाहिए, यहां पर तीन चीजें चाहिए। पहली चीज चाहिए पीपीटी, वो भी कैसी, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। दूसरा चाहिए पानी, H2O। तीसरा चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट सुटेबल, जो जो कि काम कर जाए। ये तीन चीजें चाहिए। मैं क्या करूंगी,
पीपीटी यहाँ पर होगी एकदम फ्रेश बनी हुई है। ऐसा नहीं कि आप बहुत लेट वाला जो बहुत पहले की पीपीटी बनी हो उसको यूज में लो, नहीं, यहाँ पर हमें फ्रेशली जो है पीपीटी चाहिए। पीपीटी के अंदर मैंने भर दिया पानी, पानी भी इसके अंदर है और पीपीटी भी है इसके अंदर। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे ही मैं क्या डालूंगी, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, क्या डाल दिया मैंने, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद में इसको मैं शेक करूंगी और क्या बन जाएगा, कोलाइडर पार्टिकल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कोलाइडर पार्टिकल्स। कोलाइडर हमें सोल मिल जाएगा, कोलाइड सोल मिल जाएगा हमें। क्या करना पड़ रहा है, टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ रही है, टेस्ट ट्यूब में पानी डालना पड़ रहा है, पीपीटी फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी डालनी पड़ रही है, कोई भी सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ रहा है, हिलाना पड़ रहा है, और क्या बन जाएगा हमारा जो हमें चाहिए, कोलाइडर पार्टिकल्स बन जाएंगे। सिंपल। लेकिन अब मैं इसको पिक करूंगी बाय एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। ये डेफिनेशन ऊपर की मैं हटा रही हूं, अब मैं ले रही हूं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए मुझे यहां पर सिर्फ तीन चीजों की जरूरत है अगर मुझे पेपिटाइजेशन मेथड से कोलाइडर सोल बनाना है तो। क्या क्या, पीपीटी, पीपीटी मैं बता चुकी हूं क्या होता है, पानी यानी H2O प्लस सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स। मैं बार बार क्यों बोल रही हूं सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स, अब पता चलेगा आपको। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया, एक पीपीटी में मैंने क्या डाल दिया, पीपीटी कौन सी है, किस चीज की पीपीटी है, FeOH thrice, ये हमारा पीपीटी है। हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया, और जब भी पीपीटी कैसी हो, ऐसी FeOH 3 इस टाइप की पीपीटी हो, तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा सुटेबल होगा, FeCl3। हमेशा ध्यान रखना, हमें कैसे पता चलेगा कि जो वो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सुटेबल है उस पर्टिकुलर पीपीटी के लिए या नहीं, तो आप देखना कि कुछ कॉमन होना चाहिए उनके बीच। देखिए यहां पर फेरम है, यहां पर भी फेरम है, कुछ कॉमन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल की मैं बात करूं, मान लो मेरा जो पीपीटी है वो है AgI, पानी है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो क्या हो सकता है, या तो मैं ले सकती हूं AgI की जगह KI ले सकती हूं, क्योंकि देखो कॉमन ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा मैं ये भी ले, और इसके अलावा मैं ले सकती हूं AgNO3, या तो KI ले सकती हूं या फिर AgNO3, जब पीपीटी क्या हो, AgI, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि आप देख लो यहां पर I कॉमन है और यहां पर AG कॉमन है, ठीक है। बात समझ में आ गया सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होंगे। अब जैसे ही मैंने एक पीपीटी में FeOH3 डाला, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है पीपीटी, ठीक है, पानी तो इसके अंदर है ही, और साथ में मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स क्या डाल दिया, FeCl3, क्या डाल दिया, FeCl3, तो इससे क्या बन जाएगा हमारा, कोलाइडर पार्टिकल्स बन जाएगा, हमें कोलाइडर सोल मिल जाएगा। इसी मेथड को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। इसमें सिर्फ तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है, पीपीटी, वाटर एंड सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स। आई होप आपको ये मेथड अच्छी तरीके से समझ में आया हो। थर्ड वन जो है वो है केमिकल मेथड। क्या है, केमिकल मेथड, तो हम थर्ड वन अब पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाय डबल डीकम्पोजिशन। डबल डीकम्पोजिशन जब होता है तब क्या होता है, देखिए यहां पर ले रखा है हमने केमिकल इक्वेशन ले रखी है, आर्सेनिक ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में जो है रिएक्शन करवाई है, दोनों एक्वस स्टेट में है, क्या मिल रहा है हमें, आर्सेनिक सल्फाइड प्लस H2O। यहां पर जो कोलाइडर सोल है वो ये है, कोलाइडर सोल आर्सेनिक सल्फाइड As2S3। अब यहां पर डबल डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है, आप देखिएगा ये जो As है आर्सेनिक है ये किसके साथ बना रहा है, सल्फर के साथ बना रहा है, ये पॉजिटिव, इसने नेगेटिव को ले लिया और बना लिया क्या, As2S3। ये ऑक्सीजन जो है इसने ये हाइड्रोजन को पकड़ लिया, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव, और इसने क्या बना लिया, H2O, ठीक है। अब डबल डिकम्पोजिशन कैसे हुआ, क्योंकि दोनों चीजें जो है ब्रेक हुई है, मतलब AS ब्रेक होकर S के साथ इसने बना लिया कोलाइडर सोल AS2S3, और ऑक्सीजन ने ब्रेक होकर
हाइड्रोजन के साथ बना लिया वाटर H2O। तो इसी को हम बोलते हैं बाय डबल डिकम्पोजिशन मेथड। ये केमिकल मेथड है जिसके अंदर हमें सॉल्व मिल गया कोलाइडर सॉल्व। सेकेंड हम पढ़ेंगे रिडक्शन। रिडक्शन के थ्रू भी आप जो है ये कोलाइडर सॉल्व मिल सकता है आपको। चलिए सेकेंड वन पढ़ते हैं, ये आपको आई होप समझ में आया हो। सेकेंड है हमारा बाय रिडक्शन। इस रिएक्शन में मैंने AuCl3 को HCHO के साथ और साथ में प्रेजेंस ऑफ वाटर मैंने रिएक्ट करवाया है। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या बना रहा है Au, पूरा हमारा सोल मिल गया हमें, ये हमारा सोल है। और साथ में क्या बना रहा है फॉर्मिक एसिड HCOOH और साथ में मिल रहा है हमें HCl। अब देखिए यहाँ पर रिडक्शन कैसे हुआ। आपको पता है जब भी फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCl से हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक पार्ट का रिडक्शन हो रहा होगा, एक पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर HCHO जो है इधर जाने के बाद ऑक्सीजन इसके अंदर जुड़ रहा है, मतलब कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, क्या बना लिया इसने फॉर्मिक एसिड। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनाता है फॉर्मिक एसिड। लेकिन आप AuCl3 की तरफ देखिए, यहां पर ये रिड्यूस होकर क्या बना रहा है Au, सिर्फ क्या बना रहा है Au, रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है AuCl3 का और क्या बना रहा है हमारा Au। ठीक है, सोल हमें मिल गया, गोल्ड हमें मिल गया हमारा। तो ये हमारा है रिडक्शन का मेथड। रिडक्शन कैसे हो रहा है मैंने आपको समझा दिया है। अब थर्ड हम पढ़ेंगे बाय ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ेंगे, बाय ऑक्सीडेशन। बाय ऑक्सीडेशन, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं थर्ड है केमिकल मेथड बाय ऑक्सीडेशन। रिएक्शन हमने करवाई है Br2 के साथ ब्रोमाइड प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या दे रहा है यहाँ पर, ओनली सल्फर, क्या दे रहा है सल्फर। अब ये जो सल्फर है ये क्या है हमारा कोलाइडल सोल और ये हमारा क्या बन रहा है बाद में HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो अब आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, जो ये तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रो किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन का निकल जाना भी ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन है। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन हट रहा है और क्या बना रहा है कोलाइडल सोल यानी एस यानी सल्फर। ठीक है, ये कोलाइडल सोल है बेसिकली। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में ये रिएक्शन है, मैंने आपको बता दिया था क्या क्या है इसके अंदर, क्या बन रहा है कोलाइडल सोल बन रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब, अब ऑक्सीडेशन हो कहां रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या मैं बोलूं एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीजन। तो ये देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड में से रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन और क्या बना रहा है हमारा कोलाइडल सोल। ठीक है, सल्फर में क्या है कोलाइडल सोल, तो ये जो एस है कोलाइडल सोल है बेसिकली। तो यहां पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां पर रिमूवल हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का। और Br2 जो है क्या बना रहा है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है ना, तो इसको तो ये क्या बना रहा है HBr, और जो H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद में कोलाइडल सोल बना रहा है, ये हमारा कोलाइडल सोल है। आई होप आपको ऑक्सीडेशन का प्रोसेस समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ मेथड, वो है हाइड्रोलाइसिस। क्या है हाइड्रोलाइसिस, फोर्थ वन और ये लास्ट वन है जिसको हम बोल रहे हैं बाय द हाइड्रोलाइसिस। देखिए जो फोर्थ मेथड है वो है बाय हाइड्रोलाइसिस। जब अगर हाइड्रोलाइसिस हो, रिएक्शन क्या है, एग्जांपल है ये सारी रिएक्शंस के, HCl3 जब हाइड्रोजन सॉरी वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है FeOH3 और इससे ये हम बेसिकली है क्या कोलाइडल सोल हमारा बनता है और साथ में निकलता है HCl। तो बेसिकली हाइड्रोलाइसिस हो रहा है FeCl3 का और जो FeOH3 मिलता है वो मिलता है कोलाइडल सोल। किस प्रोसेस से, जब हम FeCl3 को रिएक्ट करवाते हैं H2O के साथ, यानी जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। इतना ही है इसके अंदर
केमिकल मेथड के हमने चार टाइप पढ़ लिए हैं केमिकल मेथड के अंदर, आपका डबल डिकम्पोजिशन, सेकंड हो गया रिडक्शन, थर्ड हो गया ऑक्सीडेशन एंड फोर्थ इज हाइड्रोलाइसिस। सबके एक एक एग्जाम्पल आपको करने ही हैं, जो मैंने बताए हैं आप वो भी कर सकते हो, इसके अलावा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।